प्रार्थना में आप सभी विश्वासियों का और श्रोता गुरु का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज संसार के इतिहास में एक महान दिन है कि हमारा मुख्य दाता यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुए और वह तीसरे दिन मृत्यु कुमार से जी उठे, जिसे हम पुनरुत्थान पर्व और ईस्टर कहते हैं। सो इस आनंद अवसर पर हम अपने स्थानों में खड़े होकर प्रभु की महिमा में गीत नंबर 46 गाकर आराधना प्रारंभ करेंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु। Daya, 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 Da
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार शक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। तुम्हारी इस उचिति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो, उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण समान तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ, आमीन। पुनरुत्थान पर्व के अर्थात ईस्टर संडे के लिए जो ठहराया हुआ इंटायर का पाठ है वो हमें आराधना की किताब में पेज नंबर 73 पर मिलता है। हम इसे खड़े होकर सुनेंगे। वो अर्थात यीशु जी उठा है, हालेलुया। तुम लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो, हालेलुया। स्मरण करो कि उसने कहा था, हालेलुया अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे, हालेलुया हालेलुया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा। जैसी आरंभ थी
जिनसे वो प्रसन्न है, और मानो सो मेरे साथ हो। हे परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेने जो जगत के पाप उठा ले जाता है, तू जो बचाले है हमारी प्रार्थना ग्रहण कर, तू जो पिता के देने हाथ बैठा है, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, प्रभु केवल तू ही मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा में शक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मृत्यु पर जय दिलाई और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। प्रभु हम सब तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, ये वर दीजिए कि जैसे तूने हमारे हृदयों में अच्छी छाया उत्पन्न की है, वैसे ही तेरी निरंतर सहायता के द्वारा हम उनको अच्छे उपयोग में तेरी महिमा के लिए काम में लाएं, क्योंकि यीशु मसीह तेरे पुत्र है हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता है। इनाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन। हम पुराण आज के ईस्टर पर्व के लिए ठहराए हुए पुराने नियम से पाठ को सुनेंगे, जो यशाया नबी की किताब उसका 53वां अध्याय है और पद 8 से लेकर पद 12 तक हमें आज किसी पर्व के लिए दिया गया है। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती डॉक्टर नीलिमा तिमोथी को कि पुलपिट पर आकर इस पाठ को पढ़ेंगे और आप लोग भी। यशाया 53 पद 8 से 12। यशाया 53 पद 8 से, अत्याचार करने और दो
उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यहाँ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हम पर दया। हम ईस्टर पर्व के उपलक्ष में पत्री के पाठ को भी सुनेंगे जो हमें मिलता है। पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 15वां अध्याय और पद 53 से पद 58 तक। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय पद 53 से पद संख्या 58 तक, और इस पाठ को पढ़ने में श्रीमान अरुण पर्सन अगुवाई कर रहे हैं। आज के लिए ठहराया गया पत्री का पाठ हमें मिलता है संत पौलुस की पत्री, पहला कुरिन्थियों के नाम उसका 15वां अध्याय 53वें पद से 58वें पद तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है वह पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यहाँ पत्री का पाठ समाप्त होता है। थानों में खड़े होकर आज के दिन के लिए ठहराए हुए सुसमाचार के पाठ को भी सुनेंगे जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और पद संख्या 1 से 8 तक। मरकुस 16वां अध्याय पद 1 से 8, यहाँ वर्णन इस प्रकार से लिखा है, जब सबका दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकल ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए देहने और बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम इस नासरी को जो क्रूस पर चलाया गया था ढूंढती हो? वो जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही वो स्थान है
जहाँ उन्होंने उसे रखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वही उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा। आइए हम सब मिलकर अपने मसीह विश्वास वचन को स्वीकार करेंगे, सब खड़े होकर, और नाइसिन विश्वास वचन हम सब मिलकर बोलेंगे। नाइसिन विश्वास वचन। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सदृश और अदृश्य पदार्थों का कर्ता है। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सब युगों से पहले वो पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सृजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व है, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वो हम मनुष्यों के लिए और हमारे त्राण के लिए स्वर्ग से उतर आए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से शरीर धारण हुआ और मनुष्य बना, पांच लाख के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा, उसके राज का अंत ना होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है, वो पिता पुत्र से निकलता है, पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है, उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वव्यापी प्रेरित कलीसिया पर, मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। आइए हम सब प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 180। गीत नंबर 180। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, पाप निमित्त दुख लाज उठाए, आप निमित्त दुख लाज उठाए, प्राण दियो परिहारी, जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, दिना तब यीशु गौर में ईजे दिवस निहारी, दिना तब यीशु गौर में ईजे दिवस निहारी, जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, प्रभु जय जयकारी, बात समय रविवार दिना में साथ निवासा चारी, बात समय रविवार दिना में साथ निवासा चारी,
मेरे घोर मरण का तोड़ा बंधन भारी और मेरे घोर मरण का तोड़ा बंधन भारी जय प्रभु यीशु जय अधिराजा जय प्रभु जय जयकारी कान में बल हो पायो लाज अपारी आर गयो चैतान में बल हो पायो लाज अपारी जय प्रभु यीशु जय अधिराजा जय प्रभु जय पवित्र तुरंत सरंग मो अंगन सुरी पवित्र तुरंत सरंग मो अंगन सुरी जय प्रभु यीशु जय अधिराजा जय प्रभु जय जयकारी भास्कर जग प्रकाशक ईशु आशित कर्म स्थारी भास्कर जग प्रकाशक ईशु आशित कर्म स्थारी जय प्रभु यीशु जय अधिराजा जय प्रभु जय जयकारी। आप सबको हमारे ख्रिस्त मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की ओर से इस पुनरुत्थान पर्व पर ईस्टर पर्व पर बहुत आज की आशीष और अनुग्रह मिलता रहे। ऐसे ईस्टर पर्व पर आप सबों को हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में बहुत ही ऐसी दुखद घटना चल रही है जहां कोरोना वायरस से हजारों की तादाद में लोग मौत के कगार में जा रहे हैं और प्रत्येक देश के नागरिक बहुत दुखित हैं, चिंतित हैं। वे परमेश्वर की ओर अपनी आँखों को उठाकर और वे इस महामारी से बचने के लिए या इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कई निर्दोष लोग की जान भी चली जा रही है। ऐसे वातावरण में हम सब उनके साथ शोकित और दुखित भी हैं और आज इस पुनरुत्थान पर्व में हम सब मसीह जगत के लोग मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी बड़ी करुणा और दया से इस संसार की मानव जाति पर अपनी दया को अपने अनुग्रह को वो उंडेल दे ताकि इस महामारी से लोग छुटकारा पाएँ और फिर से अमन चैन पूरे विश्व में पाया जाए। आज इसी पर्व में के अवसर पर जो परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं प्रचारने जा रहा हूँ वो स्थल हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और पद संख्या 1 से लेकर पद 8 तक। और इस पाठ में एक सत्य घटना का मत्ती उद्धृत करते हुए यीशु के पुनरुत्थान को प्रकट करता है कि सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ
क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरों में कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष दे। वचन पर मनन करने से पूर्व हम छोटी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, आज पुनरुत्थान पर्व पर हम सब तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को जीवित रखा और ये पवित्र दिन दिया कि हम सब आज पुनरुत्थान पर्व पर हमारे ख्रीष्ट मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के इस महान ऐतिहासिक पर्व को मनाने के लिए हम सबों ने अपने मनों की तैयारी किया है, और अपने अपने घरों में प्रभु हम आपकी आराधना करते हुए तेरे वचन को सुनकर उसको मानकर तेरी आज्ञा का पालन करते हुए आशीष पाना चाहते हैं। हे प्रभु, तू महान और भययोग परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को निरंतर पूरी भी करता है और अपनी करुणा के द्वारा तू संभालता है। आज हम दुख भोगते हुए विश्व की मानव जाति के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के समय, जबकि हजारों की तादाद में लोग कोरोना वायरस के चपेट में आकर वे इस संसार से कूच कर गए हैं, प्रभु दया कर सारे देशों पर, सारे मानव जाति पर दया कर कि वो तेरे आशीर्वाद से, यीशु मसीह की तरस और करुणा की चंगाई से प्रभु इस महामारी से बचाए जाएं, ताकि फिर से विश्व में तेरी अमन चैन और शांति पाई जाए, और सब देश मिलकर, सब मानव जाति मिलकर तुझ सच्चे सृजनहार पालनहार परमेश्वर यहोवा को प्रभु यीशु मसीह में जाने और तेरी उपासना और तेरा आराधना करने वाले बने। मनुष्यों और उनके पापों को, उनकी कुटिलता को, उनकी दुष्टता को तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में क्षमा कर दिया है। प्रभु वरदे की तेरी आज्ञाओं को, तेरे नियमों को हम मानने वाले, तेरे वचनों को सुनकर उस पर चलने वाले, और तेरे प्रति सच्ची भक्ति और आदर रखने वाले विश्वासी बनते चले जाएं। प्रभु हम सबों को शैतान और उसकी बुरी युक्तियों से बचाना। तेरा पवित्र आत्मा हमें पापों से फिरने के लिए पश्चाताप करने का आत्मा दे। तेरी ओर हमें फेर है कि तू जो दया सागर और क्षमा की खान है, हमें क्षमा करके सारी विपत्ति से बचा कर जीवन दे। तेरा धन्यवाद करते हुए सारे श्रोताओं को, सारे विश्वासियों को, हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को, सारे विश्व के लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर इस विनती को यीशु ख्रिस्त के प्यारे और मीठे नाम से मांगता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रिय मित्रों, अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सत्य घटना को मत्ती 28वें अध्याय के पद 1 से 8 में सुना कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में परमेश्वर
पिता की ओर से एक बड़ा आश्चर्य कर्म यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है कि एक बड़ा भूकंप होता है और प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर से उतरकर उस बड़े पत्थर को जो कब्र के मुहाने पर रखा हुआ था उस पत्थर को वो लुढ़का देता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की इस घटना में परमेश्वर का एक महान हाथ है, उसका कार्य है कि जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार की मानव जाति के पाप क्षमा के लिए उसको बलिदान होने के लिए भेजा और उस कार्य को पूर्ण कर दिया, वही परमेश्वर अब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को या स्वयं परमेश्वर अपने आप को एक सामर्थ्य परमेश्वर या पुत्र के रूप में जी उठकर संसार की मानव जाति को बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है वो इतना महान है कि वो मृत्यु और सब प्रकार का अधिकार उसके पास उसके हाथों में नियत है। और आज ये जो पुनरुत्थान का पर्व है, ईस्टर पर्व जो हम मना रहे हैं, ये संसार के इतिहास में मसीह जगत के इतिहास में मसीह विश्वास का एक सैद्धांतिक ढांचा दो मुख्य सच्चाइयों पर टिका हुआ है, अर्थात कि पुनरुत्थान की सच्चाई पर मसीह विश्वास जो है वो आज टिका हुआ है। और ये दो मुख्य सच्चाइयाँ जो हैं मसीह जगत में, वो मसीह यीशु की मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और ये दोनों सच्चाइयाँ, ये दोनों बातें सुसमाचार की सच्चाई को निरंतर प्रकट करती जा रही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारा गया और धर्म शास्त्र के अनुसार वो हमारे लिए जी उठा। और यीशु ख्रीस्त का ये पुनरुत्थान जो है वो न केवल प्रारंभिक चर्च के जीवन का परिवर्तन था, लेकिन आज यीशु मसीह के पुनरुत्थान का ये संदेश, ईस्टर का ये संदेश वो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी संसार के लोगों के लिए, उनके जीवन का परिवर्तन का एक परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है कि हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा अपनी आशा को जो आज मृत्यु के शोक में डूबे हुए हैं या उसके भय में आज हम संसार के लोग पाए जाते हैं, हम उस निराशाओं से हटकर एक आशा भरी दृष्टि से वो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर हम उस पर विश्वास करें कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा भी पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार या प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वादे के अनुसार संसार के हर एक मानव जाति के लिए होने वाला है। और ये पुनरुत्थान की ये घटना ये मसीहों के लिए और जो कोई भी सुसमाचार को वो सुनता है, ये पढ़ता है, ये हमारे विश्वास की एक नेव, एक फाउंडेशन बन जाती है। और इसी नेव पर, इसी फाउंडेशन पर पृथ्वी के जीवन प्रभु के समान दुख उठाने, मरने और यीशु के जी उठने के समान संसार के साधारण लोगों के लिए
हम उनकी सहायता करने के लिए, उनके विश्वास में हम उनको आशा देने के लिए हम निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, ताकि इस दुख भोगते हुए संसार में अशांत लोगों के बीच में इतने बड़े संदेश को, इतनी बड़ी घटनाओं को जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने मानव जाति के लिए प्रकट किया, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस आशा को, अनंत जीवन की आशा को प्राप्त कर लें। यही मेरे और आपके इस जीवन के लिए एक सच्चा प्रोत्साहन है, जो सामर्थ्य देता है, हमें तसल्ली देता है कि दुख उठाते मानवता तथा वर्तमान चुनौतियों में हम जी उठे यीशु को अपने बीच में प्रकट करते हुए और उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हम बन जाएं। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर संदेह करते हैं, परंतु उनका संदेह बाइबल के प्रमाणों के अनुसार गलत है। बाइबल में लगभग 21 ऐसे प्रमाण हैं जो देह सहित जी उठे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए उसने इस जगत की मानव जाति के सामने प्रकट किया, और उसने अपने हाथ और पांव को दिखाया, उसने उनके बीच में रहकर रोटी खाया, उसने आश्रम कर चेलों के बीच में फिर से करके दिखाया, और इस प्रकार से चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु के साथ रहकर और पक्के प्रमाणों के साथ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा है उसकी उन्होंने साक्षी और गवाही को दिया। आज मत्ती भी इसी वर्णन को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में परमेश्वर के हाथ या परमेश्वर के कार्य की एक सामर्थ्य योजना कि मनुष्य अपने अंधविश्वास को, अपने संदेह को वो दूर हटा के वो जी उठे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला बन जाए। और इसलिए स्वर्गदूत यहाँ पर लूका के सुसमाचार में भी कह रहा है, तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? यीशु आप पास आकर उनके साथ इमाउस के मार्ग में हो लेता है। ये प्रमाण मैं बताते जा रहा हूँ। स्वर्गदूत ने कहा कि वो जीवित है और वो तुमसे मिलने के लिए गलील की ओर गया है। बहुत से ऐसे पक्के प्रमाण जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के, इसलिए कि लोग परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य को प्रभु यीशु मसीह में देखकर और विश्वासी बनकर उस आशा में, उस जीवन में वो बढ़ते चले जाएं जो उसने मनुष्य जाति के लिए अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित किया है। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह का इस संसार में आना और प्रभु यीशु मसीह का इस संसार की मानव जाति के लिए मर जाना, गाड़ा जाना, ये परमेश्वर के अभिप्राय में आपके और मेरे सुरक्षा के लिए, आपके और मेरे उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा उपहार, एक बड़ा इनाम दिया गया कि हम प्रभु यीशु मसीह में इस जगत में रहकर उसके कार्य, उसके प्रेम को, उसकी सेवाओं को हम प्रकट करके उसके नाम को ऊंचा करें। मरकुस के सुसमाचार में
इसके भेदों को हम बहुत बातों में देखते हैं और इन भेदों को मैंने कुछ पॉइंट में यहाँ पर रखा हूँ जो मैं आपको आज देना चाहता हूँ कि हमें पुनरुत्थित यीशु की सच्चाई का अनुकरण अपने जीवन में करते जाना है, दूसरों को बताना है, फॉलो द ट्रूथ ऑफ द रिजन क्राइस्ट, कि वो यीशु जिसका इस संसार में पैदा होना भी परमेश्वर के आश्रय कर्म की एक सामर्थ्य की घटना है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजना है। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने में भी परमेश्वर के कार्य का एक घटना का एक बड़ा हम गॉस्पल में सुसमाचार में देखते हैं कि इसके द्वारा सच्चाई का अनुकरण संसार के लोग कर सकें। पुनरुत्थित यीशु के संदेश का अनुकरण करना आज संसार के हर एक मानव जाति के लिए आवश्यक है। पौलुस के जीवन को जब हम देखते हैं तो पौलुस भी पहला विरोधी था, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता था, वो यूनानी विद्या में प्रवीण था, वो प्रभु के उपासना करने वालों को मारता था, पीटता था, विरोध करता था, लेकिन जब उसने जी उठे यीशु मसीह को दमिश्क के मार्ग में देखा तो उसका जीवन बदल गया। और वही पौलुस पहला कुरंथियों 15 अध्याय पद 12 से 19 में कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिला उठाया है, जिस काम प्रचार करते हैं। और इसलिए वो कहता है यदि हमारा विश्वास नहीं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जिलाया गया तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है और फिर से हम अपने पापों में फंसे हुए मरे हुए। और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को उसके पुनरुत्थान को उसके जीवित दर्शन को पाकर एक परिवर्तन जीवन को लेकर और प्रभु की कलीसिया को उसने आगे बढ़ाया। प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर को हमारे विश्वास की, संसार को परमेश्वर के विश्वास की आज आवश्यकता है, जबकि मानवता की आवश्यकता में वो चाहता कि हमारी सेवा यीशु मसीह के समान होती चली जाए। योना 11 पद 25 और 26 में मार्था से यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जबकि उसका भाई मर गया था लाजर। यीशु मसीह ने बता दिया था कि वो पुनरुत्थान और जीवन है, परंतु ये मार्था मरियम ये प्रभु यीशु मसीह के इस वक्त को भूल गए। योना 11:25-26 में मार्था से यीशु ने इस पर कह दिया था पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। हमें यीशु के वचन का अनुकरण करना है, उसने कहा मैं पुनरुत्थान हूँ। आज बहुत से आज इस संसार में जो लोग हैं जो मौत के भय से भयभीत हैं, उसके बबाद उनको कोई आशा नहीं, लेकिन मैं आपको इस वचन के अनुसार आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि एक है जो हमें जिलाने वाला है, क्योंकि वो स्वयं भी मृत्यु में से जिलाया गया यीशु मसीह। वो आपको और मुझको और हमारे जो लोग चले गए उनको भी एक दिन जिलाएगा, क्योंकि उसका वायदा है कि वो पुनरुत्थान और जीवन है। अनंत जीवन का अनुभव इस संसार में रहकर पुनरुत्थित यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही आप पा सकते हैं, और अनंत जीवन का अनुभव इस संसार में करते रहना ही हमारे विश्वास की एक परख है। आज भौतिक संसारिक जीवन के आनंद करने से लोग सोचते हैं कि हम बहुत आनंद और खुशी में अपने जीवन को
बना सकते हैं या आनंद पा सकते हैं, लेकिन प्यारे मित्रों ये भौतिक संसार का जो आनंद है वो एक दिन सबका मिटने वाला है। परंतु यदि मेरा और आपका आनंद पुनरुत्थित जी उठे यीशु मसीह उसके वचन पर विश्वास करने का है, तो यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार और उस प्रतिज्ञा को मानने के साथ मुझको और आपको उस नए आकाश और नए पृथ्वी की बाट जोना है जो प्रभु यीशु मसीह फिर से बादलों पर आने के साथ वो इस संसार में स्थापित करना चाहता है। पुनरुत्थित यीशु की सामर्थ का अनुकरण पौलुस ने फिलिप्पियों की पत्री के 3 अध्याय के पद 10 और 11 में कहा, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में संभागी होने के मर को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जीव उठने के पद तक पहुंचूं। ये पौलुस का एक आशा है, पौलुस का एक दृढ़ विश्वास, एक प्रतिज्ञा है कि वो संसार में रहकर उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करने के लिए वो अपने जीवन को जी रहा है, ताकि उसको ये बात स्पष्ट रूप से मालूम है कि पुनरुत्थित यीशु मुझको जी उठने के पद तक वो मेरी अगुवाई करेगा। जी उठने की सामर्थ या जी उठाने की सामर्थ केवल हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पास है, और इसलिए पुनरुत्थान की सामर्थ हमें जी उठे यीशु के जीवन का अनुकरण करते हुए और निरंतर उसके गवाही का नमूना हमको बनना है, दूसरों को हमको बताना है। योना 12:20-26 में पुनरुत्थित यीशु में एक आशा की बात भी 1 पत्रस 1:3-9 में बताया गया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई। यह आशा, यह इनाम परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है, और इसलिए जी उठा प्रभु यीशु मसीह संदेह करने वालों के मध्य में आज वो अपने वचन से उनको आश्वस्त कर देना चाहता है, जैसा उसने थोमा को कहा। यदि आप मत्ती योना 20:27 में देखें तो थोमा ने विश्वास नहीं किया था जी उठे यीशु मसीह पर, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह गया तब उसने थोमा से कहा, हे थोमा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और तब थोमा प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर जाता है, हे प्रभु। आज बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी घटना हो सकती हैं जिनके कारणों के कारण हम अपने जी उठे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से चूक जाते हैं या उसकी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। परंतु प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को भी अपना दर्शन देकर उनके जीवन में अविश्वास को निकालकर विश्वास स्थापित करना चाहता है, जैसे उसने थोमा को दिया। बताया जाता है कि ये थोमा प्रभु यीशु मसीह का एक महान विश्वासी बनकर ये भी यीशु मसीह का प्रचार करते हुए शहीदी मौत से मारा गया। आज परिश्रम करने वालों और थके मांदे लोगों के बीच में यीशु मसीह है,
वो आपके परिस्थितियों में आपको दर्शन देना चाहता है, वो आपके दुख को परिश्रम को हल्का करना चाहता है, वो आपके जीवन को वो परिवर्तित करना चाहता है। बस शर्त यह है कि हमें सच्चे मन से उसकी ओर देखना है, उस पर अपने बोझ को डालना है, उस पर अपने सारे चिंताओं को डालना है, ये मानकर कि यही यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, जिसको परमेश्वर ने मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए मारकर मुझे क्षमा दिया, यही यीशु मसीह मुझको इस संसार का जीवन सफलता कर देकर अंत में वो अनंत काल के जीवन को भी दे सकता है। यूहन्ना 21 पद 1 और 9 में हम देखते हैं कि तिबरियास की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह प्रकट होकर चेलों को कहते हैं कि तुम अपने जालों को नाव के दहनी ओर डालो। और जब उन्होंने नाव से अपने जालों को दहनी ओर फेंका समुद्र में, तो 153 बड़ी मछलियों को पकड़ के लाया, यहाँ तक कि उनके जाल फटने लगे। और यह आश्चर्यकर्म देखकर चेले लोग भयभीत हो गए। प्रभु यीशु मसीह आज दुख भोगते हुए संसार में वो अपने इस आश्चर्यकर्म के द्वारा वो बताना चाहता है, जो 153 जो मछली यहाँ पर, ये बहुत सी जातियों का प्रतीक भी है, कि वो सुसमाचार रूपी जाल में वो संसार की सब प्रकार की जातियों के लोगों को वो समेट कर वो अपने राज के लिए बचाना चाहता है। क्या आप उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? दुख भोगते हुए लोगों के मध्य जी उठा यीशु ही केवल एक सत्य मार्ग और जीवन लोगों का बन जाता है, कि उन्हें इस संसार का सफल जीवन के बाद अनंत काल का वो जीवन दे, कि जी उठा यीशु मसीह के द्वारा वो विश्वास में और उस आस्था में जो उसने इस संसार के मानव जाति के लिए रखा है, उसमें वो सिद्ध और पवित्र बन जाए। प्यारे मित्रों, ये पुनरुत्थान पर्व आपकी और मेरी निराशाओं को दूर करता है, मेरे और आपके आंखों के आंसुओं से निकले आंसुओं को पोंछता है, मेरे और आपके शोक और दुख की भावनाओं को आज पुनरुत्थान के इस पर्व में प्रभु यीशु मसीह एक आशावान मुझको और आपको बना देना चाहता है, कि मैं और आप अपनी आंखों को उठाकर उस यीशु की ओर देखें, क्योंकि वो अनंत काल तक जीवित है। आज मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा दुख का वर्ष है, जिसमें मैं भी अपने आप में एक अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले मई 18 को मेरी पत्नी भी संसार से चली गई। आज ये 2020 जो पुनरुत्थान पर्व है, आज उसके बिना मैं भी अपने आप में दुखित और शोकित होता हूँ, लेकिन मुझको विश्वास है कि हमारे जो लोग इस संसार में थे, वे अब प्रभु के घर में श्वेत वस्त्र पहने हुए, खजूर की डाली हाथ में लिए हुए उसकी जय जयकार करते हैं। आपकी भी यही आशा वो पूरी करना चाहता है, जो शोकित और दुखित हैं। और वो चाहता है कि मेरा और आपका जीवन जब तक इस पृथ्वी पर है, हम अपने पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को हो अपनी आँखों को उठाकर उस शांति को प्राप्त करें, उस अनुग्रह को प्राप्त करें, और बहुत से लोगों को पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के पास लाएँ, ताकि वे भी अनंत काल की आशीषों को, अनंत काल के जीवन को, मोक्ष को वो प्राप्त करें। परमेश्वर इस पर्व में आप सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। आप सबों को पुनरुत्थान पर्व मुबारक हो।
निश्चय प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। ये आपके विश्वास की ये गवाही लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि लोग जी उठे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करके और अपने जीवन में शैतान उसकी बुरी युक्ति और अंधविश्वास से दूर होकर यीशु ख्रिस्त की उपासना में विश्वासी बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी निराशाओं को जो मृत्यु के कारण खोई हुई थी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से तीसरे दिन जिला उठाने के द्वारा ऐसी आशा में परिवर्तित कर दिया है कि हमें अब मृत्यु से नहीं घबराना है क्योंकि हमारा यीशु पुनरुत्थान और जीवन है और एक दिन वो सब लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु में से जिलाएगा क्योंकि वो स्वयं भी मृत्यु में से जी उठा है। वरदे कि इस सच्चाई को पिता परमेश्वर तेरे महान सामर्थ्य के कार्य को संसार की प्रत्येक मानव जाति जाने और विश्वास करें और उस जीवन को प्राप्त करें जो जीवन यीशु ख्रिस्त में आप देना चाहते हैं। सब श्रोताओं को, सब विश्वासियों को, सारे शोकित और दुखितों को, सारे निराश और शोकाकुल लोगों को इसी पर्व में तेरी सच्ची शांति दे। विनती यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगता सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को स्थानीय मंडली के पास्टर इंचार्ज महोदय एवं पंचायत की ओर से हम ईस्टर पर्व की, पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। माननीय बिशप महोदय ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करी हैं। इसी के साथ साथ चर्च सेक्रेटरी मिस्टर बी एन सहाय ने अपनी पुनरुत्थान पर्व की बधाइयां आपको प्रेषित की है। आगामी जो कार्यक्रम है उसकी सूचना इस प्रकार से है, ठीक 9 बजे हम अपनी कब्रिस्तान की जो आराधना है उसके प्रसारण को घरों से सुनने पाएंगे और जब तक कि आगामी आदेश नहीं आता है हम अपने रविवारी आराधनाओं का ऐसा ही सीधा प्रसारण करेंगे और आप अपने घरों में रह के इन आराधनाओं को अटेंड करिएगा। एक बार फिर आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के पर्व की शुभकामनाएं स्थानीय मंडली पंचायत पास्टर इंचार्ज की ओर से हम देते हैं। ये हम सब मिलकर ऑपरेटर ही गाएंगे, टूटा हुआ मन परमेश्वर की ओर बलिदान है। इसी समय हम सब मिलकर 173 नंबर का गीत गाएंगे और अपनी भेंटों को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करेंगे और मेरा निवेदन है कि आप अपने घरों में जो भी दान इकट्ठा करें वो एक लिफाफा में रखकर पुनरुत्थान पर्व का लिफाफा में चर्च में भेंट में आप कभी भी ट्रेजरार या चर्च में पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपके इस पुनरुत्थान की भेंटों को परमेश्वर की सेवा के लिए कलीसिया के कार्यों में उपयोग में ला सकें। 173 नंबर का गीत। Yeah.
यीशु के खड़े हो जाएंगे और इस भेंट को हम सब परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे गीत गाते हुए। जो कुछ देते करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
हम तेरा धन्यवाद और प्रशंसा करते हुए तेरे सन्मुख आते इसलिए कि तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए मृत्यु में से जिलाकर पाप और मृत्यु पर विजय किया है। आज संसार के इतिहास में हम सबों के लिए आनंद की भी बात है। हे प्रभु यीशु, जीवन देने हारे हाकिम, तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को ये वरदान दे कि हम तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जी उठे और नई चाल विश्वास में चले। हमें जीवित आशा का निश्चय दे और जिस रीति से तू अपने पहले शिष्यों के पास आया उन्हें दर्शन दे, उसी रीति से हमारे पास आकर अपनी शांति और अपना दर्शन दे। हमें इस शांति में अंतर्लोक बनाए रख और मरते समय हमें समझा कि तू पुनरुत्थान और जीवन है। निदान हमारे नाशवान शरीरों को फिर जिला और अपनी महिमा युक्त देह के सदृश बना दे, जिससे हम विजय कलीसिया के साथ ये गाएं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत किया है। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र है हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा लोग जीवित है, विश्वास में बढ़ते चले जाए। आज इस पुनरुत्थान के पर्व पर हर एक मसीह परिवारों को, छोटे बच्चे, दूध पीते हुए जवान, बुजुर्ग, माता पिता, सारे विश्वासी, सारे शोकित और दुखित परिवारों में अपनी शांति और आशीष प्रदान कर। विनती यीशु के नाम से सुनो, ग्रहण कर, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम सबों को शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अंतिम जो गीत है आराधना के समापन में 182 नंबर का गीत हम मिलकर गा लेंगे। 182 नंबर का बजाके तुम गाओ, हालेलुया,
खुशी के सच को सुनाओ। गाओ गाओ एक गीत गाओ, आधी बजा के तुम गाओ। विशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी के सच को सुनाओ। कबर पर था एक बड़ा पत्थर, ऐसा हट गया देखो। बंद रख न सकी वो मिराज की मौत, अभी रख खुद को। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। विशु हालेलुया, खुशी से सच को सुनाओ। रो मत मेरा को, गरीब में जाकर सुनाओ। खबर से निकला समा गुना। जय गीत गाओ, आली बजा के तुम गाओ। विशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सच को सुनाओ। अन्ना पैखा पुण्यों की सभा, खतरे से हुई परेशान। अफ्रीका की सामना खत्म होने पर भारत चला चलता। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। विशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सच को सुनाओ। ऊँचे करो तेरे दरबारो, आशा है बड़ा बाजा। हर सिंह के सामर तक को जाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ ताली बजा के तुम गाओ। विशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सच को सुनाओ। अभी हम जय के नारे लगाएंगे और नीरज के बोल से चर्च सेक्रेटरी हैं वे सामने आकर, और आप सब अपने अपने घरों में खड़े हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की जय के नारे जोर से बड़े हर्ष के साथ लगाएंगे। मैं यहाँ से बोलूँगा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, तो आप अपने घरों से अपने स्थानों पे खड़े होकर बोलें प्रभु यीशु मसीह की जय हो। उसके बाद मैं बोलूँगा मेरा प्रभु, तो आप लोग बोलेंगे जी उठा है। फिर मैं बोलूँगा मेरा प्रभु, तो आप लोग बोलेंगे जी उठा है। फिर मैं बोलूँगा पुनरुत्थान दिवस, तो आप लोग बोलोगे मुबारक हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरा प्रभु जी उठा है। मेरा प्रभु जी उठा है। मेरा प्रभु जी उठा है। पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। आप सभी को ईस्टर पर्व की शुभकामनाएं। यीशु सा है।